प्रभास ने दिया फैंस को बड़ा झटका, एक्टिंग से ले रहे हैं ब्रेक, जानिए क्या है वजह। आखिर क्यों प्रभास ने बीच में छोड़ दी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग, क्यों कर लिया खुद को बैक, वजह आ गई सामने। बैक टू बैक हिट फिल्में, बैक टू बैक शूटिंग का खामियाजा झेल रहे हैं प्रभास। हाल ही में प्रभास की सालार रिलीज हुई है, बढ़िया कमाई भी कर रही है, वो आने वाले समय में कई बड़ी फिल्में करने वाले भी हैं। दीपिका के साथ कल की 2898 एडी आएगी, सलार 2 भी पाइपलाइन में है। इसके अलावा उनकी फिल्में द राजा साहब और कनप्पा भी आएंगी। संदीप रेड्डी के साथ स्प्रिट तो है ही, लेकिन इस बीच फैंस के लिए एक बुरी खबर है। प्रभास ने हाल ही में सलार के जरिए एक तरफ से बैकअप कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने कमबैक किया है। इससे पहले उनकी 3 फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई, आने वाले समय में उनकी कई जाबड़ फिल्में लाइनअप है और दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ कल की 2898 एडी जल्द ही रिलीज होगी। द राजा साहब भी अनाउंस हो चुकी है, कनप्पा और सलार 2 भी लाइन में है। संदीप रेड्डी की फिल्म स्पिरिट भी कंफर्म हो चुकी है, पर अब खबर है कि वो कुछ समय तक ब्रेक लेंगे। इसका कारण उनकी हेल्थ बताई जा रही है। एबीपी तेलुगु के अनुसार प्रभास अब मार्च तक ब्रेक लेंगे, वो किसी तरह की कोई शूटिंग नहीं करेंगे। इसका कारण बताया जा रहा है कि उनकी हेल्थ को। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास को बीते दिनों कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई, कई केसेस जो खुद फैंस ने भी नोटिस किए। नवंबर में ही उनके घुटने की सर्जरी हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो कुछ दिन ब्रेक लेना चाहते हैं। मार्च में प्रभास राजा साहब की शूटिंग शुरू करेंगे, इससे पहले एक महीने के ब्रेक पर वो रहेंगे। सोर्स के हवाले से ये बताया गया है कि प्रभास कुछ समय लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं, वो कुछ दिनों की शांति खुद को बतौर गिफ्ट देना चाहते हैं। इस बीच वो अपना फ्यूचर भी नए सिरे से प्लान करेंगे। आखिरी बार वो सलार में दिखे थे और इस फिल्म ने बढ़िया कमाई की थी। ये शाहरुख खान की डंकी के साथ रिलीज हुई थी दोस्तों, और कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। प्रभास की पिक्चर ने दुनिया भर में करीब 700 करोड़ की कमाई की थी। अगर इसका डंकी के साथ क्लेश ना होता तो ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था, या फिर डंकी का आंकड़ा ज्यादा होता। सलार में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, श्रेया रेड्डी लीड रोल में थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रेक के दौरान वो करेंगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास अब मार्च में मारुति के डायरेक्शन में बन रही फिल्म द राजा साहब के सेट पर वापसी करेंगे। ये एक रोमांटिक और हॉरर फिल्म होगी। सुपरस्टार के करीबी सोर्सेस ने एबीपी तेलुगु को ये जानकारी दी। प्रभास अपने ब्रेक के दौरान शांति से वक्त गुजारना चाहते हैं और ब्रेक के दौरान वे अपने करियर में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। हालांकि प्रभास या उनकी तरफ से एक्टिंग ब्रेक को लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स ही सोशल मीडिया पर दावा करती आ रही हैं कि प्रभास ब्रेक लेंगे। हालांकि इस बात को सुनकर कुछ टेंशन फैंस को जरूर हुई है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि जल्दी प्रभास अपनी शूटिंग में वापस आएंगे और फिर से सलार का तहलका मचाएंगे। आपको प्रभास की किस फिल्म का इंतजार है हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।